हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मृत्युंजय मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के सामने आज एक वोकैबुलरी लेसन लाया हूं जिसमें 9 वर्ड्स हैं। चलिए देखते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज अपीस, सेकंड डिसल्यूट, थर्ड वोसिफरस, फोर्थ अबेसमेंट, फिफ्थ नॉन एंटिटी, सिक्स टेनुअस, सेवन एबेयंस, 8 ग्रैंडिलोक्विंट, 9 ईयरमार्क। चलिए दोस्तों इनके मीनिंग जानते हैं और इन्हें याद करते हैं। और फर्स्ट वर्ड इज एपीस। देखिए, विजुलाइज करिए माइंड में, ये आप बहुत अशांत थे, आपको पीस नहीं मिल रही थी, तो आपके दोस्त ने आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करवाया ऐप, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें से एक म्यूजिक निकला और उस म्यूजिक ने आपको पीस दी। तो ऐप गेव यू द पीस ऑफ द माइंड, एपीस मीन्स कामनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। द फादर वोर फनी ड्रेस इन ऑर्डर टू अपीस हिज किड्स। अपने बच्चों को खुश करने के लिए उसने फनी ड्रेस खरीदी या शांत करने के लिए। नेक्स्ट डिसोल्यूट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसोल्यूट। अब यहां पे देखिए कि एक आदमी सैल्यूट कर रहा है और सैल्यूट करते करते वो मर गया, और यहां पे बॉटल ऑफ विस्की और ये मटन चिकन, मतलब कि सेंसुअल प्लेजर्स कर करके वो मरने लगा, उसका अंत हो गया, और मरते मरते वाइल्ड डाइंग ही सैल्यूट डिसोल्यूट। Inclined to sensual pleasures. Now vociferous, noisy and blatant. देखिए कि vocabulary को याद करने में वो errors कर रहा था। इसको आप अपने भी mind से, अपना जैसे हो रहा है उस तरह से भी बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि वोकैबुलरी को याद करने में वो फेरस यानी आयरन की शीट पे बैठ के वोकैबुलरी याद कर रहा था, इस तरह से बना सकते हैं। और जब वो उछल उछल के वोकैबुलरी याद कर रहा था तो उस आयरन शीट से नॉइस आ रही थी, बहुत नॉइस प्रोड्यूस हो रही थी। तो वोसिफरस मींस नॉइजी ब्लैटेंट यानी शोर से युक्त। एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव हिज वोसिफरस सपोर्ट, ही गेव हिम हिज वोसिफरस सपोर्ट, उसने चिल्ला चिल्ला के उसकी मदद की। अबेसमेंट, देखिए इंसल्ट, वोसिफरस का ये एग्जाम्पल है, शाउट। अबेसमेंट देखिए, इंसल्ट देखिए, आप फेल हो गए थे तो आपके टीचर ने आपको क्लास के सामने नहीं डांटा या बेइज्जत किया, पर एक बेसमेंट में बुला के आपको झाड़ लगा दी, आपकी खूब इंसल्ट की। अबेसमेंट मींस इंसल्ट। नॉन एंटिटी जिसकी कोई एंटिटी ना हो, जिसे कोई नहीं जानता हो। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नॉन एंटिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यू ईयर्स अगो ही वॉज अ नॉन एंटिटी, नाउ ही ओन्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। कुछ साल पहले वो कुछ नहीं था पर आज अमीर हो गया है। देखिए टेनुअस, टेन ऑफ अस। एक लड़की थी जिसके 10 लोगों से अफेयर थे, तो हमने कहा कि शी हैज एन अफेयर विद 10 ऑफ अस। तो वो अफेयर्स जो थे, वो रिलेशनशिप थे, वो टेनुअस थे, मतलब गाढ़े नहीं थे, सबके में बटे हुए थे, इसलिए स्लाइट थे। देखिए स्लाइट, ये देखिए यहां ब्रेकेज हो रहा है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं टेनुअस का, कि हर रिलेशनशिप विद हर बॉयफ्रेंड वॉज टेनुअस। उसकी रिलेशनशिप अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी नहीं थी या स्लाइट थी। Abeyance, देखिए आ बॉय आंस। स्टेट ऑफ टेम्पररी डिस्यूज, देखिए एक बॉय था, उससे हम
टीचर आंसर पूछ रहे थे पर वो स्टिल बैठा था, नहीं दे रहा था आंसर. ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज. तो टीचर ने कहा कि वाई दिस अबेयंस, प्लीज आंसर. तब भी उस बॉय ने आंसर नहीं दिया. पर अगले दिन जब टीचर ने पूछा भी नहीं तो वो सारे आंसर देने लगा. तो टीचर ने कहा व्हाट हैपेंड टू यू टुडे. तो उसने कहा I was in a state of temporary disuse. Now I am activated again. I am out of that abeyance. Okay, उस abeyance से बाहर निकल के, वो कुछ देर के stoppage से बाहर निकल के अब मैं फिर से activate हो गया हूं. Next, grandiloquent. देखिए, grandpa, ठीक है, lock and aunt. देखिए, एक aunt था और उसको ग्रैंडपा ने लॉक खोलने के लिए बोला. ग्रैंडपा लॉक आंट. पर ग्रैंडपा वॉज ग्रैंडिलोक्वेंट. वो अंग्रेजों के जमाने थे के थे तो उनकी इंग्लिश कुछ बहुत स्ट्रांग थी. तो वो आंट को समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं. तो एस ग्रैंडपा वॉज ग्रैंडिलोक्वेंट एंड ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट एंट टू अनलॉक द लॉक. But because of his language, the ant was unable to understand what grandpa was trying to convey. Okay, ear mark. देखिए ear and mark. ये हमारा ear है और इसमें एक right का mark लगा दिया. देखिए एक wife ने अपने ear में एक mark tick mark लगाया था और अपने husband से कहा था कि ये मैंने ईयर मार्क कर लिया है, यानी इसे बचा के रखा है, आप कभी तो मुझे रिंग देंगे उस दिन के लिए. यानी आई हैव डेसिग्नेटेड माई ईयर फॉर द रिंग विच यू विल गिव मी वन डे और द अदर. डेसिग्नेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा पावर स्ट्रेंथ कोई भी चीज बचा के रखना, उसको कहते हैं ईयर मार्क. तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स. तो चलिए दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. अब फर्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज डैश इन हिज कमांड सो ही वॉज डिसलाइक्ड बाय ऑल. वो अपनी कमांड में कुछ ज्यादा ही तीखा था इसलिए उसको लोगों ने ना पसंद किया. तो कौन सा वर्ड आना चाहिए? ही वॉज वोसिफरस इन हिज कमांड सो ही वॉज डिस्लाइक्ड बाय ऑल. राहुल ऑप्टेड टू बी अ म्यूजिशियन इन ऑर्डर टू डैश हिज फादर्स डिजायर. अपने पिताजी की इच्छा रखने के लिए, अपने पिताजी की इच्छा को शांत करने के लिए वो म्यूजिशियन बन गया. इन ऑर्डर टू अपीज हिज फादर्स डिजायर. नेक्स्ट, माई मदर डैश 10 lakh rupees फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन. मेरी माँ ने अपने पोतों के लिए 10 lakh rupees रिजर्व करके रखे. मीन्स ईयर मार्क्ड. नेक्स्ट, रचना रिग्रेटेड हर चॉइस ऑफ मैरिंग अ डैश मैन. रचना को बहुत दुख हुआ, खेद हुआ कि उसने एक ऐसे इंसान से शादी की जो सेंसुअल प्लेजर्स पे डूबा रहता है और भी स्त्रियों को देखता है, शराब पीता है और तरह तरह के दुर्व्यसन करता है. तो रचना रिग्रेटेड हर चॉइस ऑफ मैरिंग ए डिसोल्यूट मैन. नेक्स्ट, Trump was dashed in his speech. Sorry. Trump was dashed in his speech. अपनी speech में Trump ने बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया, बहुत जोर से अपनी बात को कहा. तो Trump was grandiloquent. In his speech, Maeve will not listen to the dash like you.
मेयर तुम जैसे तुच्छ आदमी की बात नहीं सुनेंगे. मेयर विल नॉट लिसन टू द नॉन एंटिटी लाइक यू. ही कैन नॉट लिव द लाइफ ऑफ कैश. वह अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता है. ही कैन नॉट लिव द लाइफ ऑफ अबेसमेंट सो ही कमिटेड सुसाइड. इसलिए उसने सुसाइड कर लिया. ही कैन नॉट लिव द लाइफ ऑफ अबेसमेंट. हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड वॉज डैश. उसकी उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप गाढ़ी प्रगाढ़ नहीं थी. वॉज टेनुअस स्लाइट थी. Her relationship with her husband was tenuous. The order fell into dash after his demise. उसकी मौत के बाद वो order सो सा गया. उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. Means fell into abeyance. तो ये fill in the blanks थे उन सब words के. आइए दोस्तों एक क्विक रिवीजन लेते हैं और देखते हैं आज हमने कौन कौन से वर्ड याद किए. देखिए एक वर्ड है ए डी वी ए एन टी ए जी ई एडवांटेज. ये वर्ड है एडवांटेज. अब देखिए ए अपीस, बी डिसोल्यूट, वी वॉसिफेरस, ए अबेसमेंट, एन नॉन एंटिटी, टी टेनुअस, ए अबेयंस, जी ग्रैंडिलोक्वेंट एंड ई ईयरमार्क. अब एक मीनिंग जल्दी से इनकी देख लेते हैं. अपीस एप पीस. ऐप ने पीस किया, म्यूजिक निकला आपको पीस किया. टू पैसिफाई शांत करना. डिसोल्यूट डाई सेल्यूट. डाई करते हुए सेल्यूट उसने किया. डाई क्यों कर रहा था? क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसुअल प्लेजर उसने ले लिए. वॉसिफेरस चिल्लाना, तेज आवाज में बात करना. वॉसिफेरस ए अबेसमेंट बेचती बेसमेंट में बुला के उसकी इंसल्ट की थी. नॉन एंटिटी जिसकी एंटिटी ना हो, जो एक नॉर्मल इंसान हो, साधारण हो. नॉन एंटिटी का ऑपोजिट होता है सेलिब्रिटी. देन टी टेनुअस. हर रिलेशनशिप विद हर ब्रदर इज टेनुअस. मतलब कि ऐसे ही है, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ नहीं है. एबेयंस. एबेयंस यानी कुछ दिनों के लिए सुप्तावस्था में चले जाना. ठीक है जी. ग्रैंडिलोक्वेंट. ग्रैंडिलोक्वेंट मीन्स अपनी स्पीच में या अपनी शब्दावली, अपने वाक्यों में कठिन शब्दावलियों का प्रयोग करना. ठीक है मतलब कि सिंपल सेंटेंस को भी कठिन गूढ़ बना के प्रेजेंट करना. ई ईयर मार्क. और ईयर मार्क मीन्स डेसिग्नेट करना, रिजर्व करना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स. ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स मैं लाता रहूंगा. आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं. एक दो बार वीडियो देखिए, ये आपके दिमाग में जड़ जाएंगे. दोस्तों मुझे आप सपोर्ट करिए. तो मैं बहुत सारी टेक्निक्स मुझे पता हैं, बहुत सारे मेथड्स पता हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के, और आपके सामने रखूँगा. और मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट, जिससे मुझे ये बैक पुश मिले कि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूँ. तो दोस्तों लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को. और एक बात तो कभी मत भूलिएगा कि हैव ए ब्लेस्ड life.